द विविन क्रेन और द ग्रेटफुल क्रेन, ये जापान की लोकप्रिय कहानियों में से है जो एक ब्यूटीफुल बर्ड रेड क्राउन क्रेन को परिभाषित करती हैं। रेड क्राउन क्रेन का ऑफिशियल बाइनोमियल नेम ग्रस जापानेंसिस है, जिसे मंचूरियन क्रेन और द जापानीज क्रेन भी कहा जाता है। जापान सहित चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लक, समृद्धि और प्रेम का सिंबल माना जाता है। द ग्रेटफुल क्रेन की कहानी में भी इस मंचूरियन क्रेन का हेल्पिंग नेचर देखने को मिलता है कि कैसे एक गरीब व्यक्ति ने इसकी थोड़ी सी मदद की और बदले में वो क्रेन उसकी लाइफ में उसका लव और लक बनकर आती है और अपने रेशमी पंखों को उसके लिए बुनकर उसकी किस्मत बदल देती है। खैर, ये बातें तो थी इसके स्वभाव की। असल जिंदगी में भी चीन, मंगोलिया और जापान जैसे देश भी इसे अपनी खूबसूरत कल्पना में शामिल रखते हैं। इसे लंबी उम्र और अमरता का प्रतीक मानते हैं। इसे जियान कहते हैं, यानी अमरता की क्रेन। चीनी मिथकों और कहानियों में अमृत के देवता को इस लाल मुकुट वाली क्रेन पर सवार दिखलाया जाता है। ये बड़प्पन का भी प्रतीक है। चीनी संस्कृति में इसके महत्व के कारण लाल मुकुट वाले क्रेन को चीन के राष्ट्रीय पक्षी के खिताब के उम्मीदवार के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रीय वानिकी ब्यूरो द्वारा चुना गया था, पर यह निर्णय इसके लैटिन नाम जापानी क्रेन के रूप में अनुवाद के कारण टाल दिया गया था। जापान में इस क्रेन को तंचुरू के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि यह हजार साल तक जीवित रहेगी। इसके वफादारी और ताकत के स्वभाव को स्वीकारते हुए जापान एयरलाइंस ने इसे अपना प्रतीक बनाया है। क्रेन की एक अन्य प्रजाति जिसे इंडियन क्रेन कहते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यूपी के जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के प्रतीक के रूप में भी सारस की इस इंडियन प्रजाति को ही रखा गया है। दक्षिण कोरिया में रेड क्राउन क्रेन और द जापानीज क्रेन को दीर्घायु, पवित्रता और शांति का प्रतीक मानते हुए 500 के सिक्के पर उकेरा गया है। पर अफसोस इस बात का है कि इतनी मान्यता और पवित्रता के बावजूद ये दुनिया की दूसरी सबसे दुर्लभ प्रजातियों में है। कारण इसका शिकार नहीं बल्कि मानव गतिविधियां, सुंदरीकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक ड्राई स्पेल है, जिसके कारण इनके निवास स्थान सिकुड़ते जा रहे हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की माने तो दुनिया भर में क्रेन की 15 प्रजातियां हैं। ये लाल मुकुट वाले क्रेन सेमी एक्वेटिक हैं, इसलिए ये जहां भी पानी की प्रचुरता होती है वहां पाए जाते हैं। ये अपना घोंसला भी पानी के ऊपर ही बनाते हैं और इंसानों की तरह अपनी टेरिटरी भी डिसाइड करते हैं। क्योंकि ये सर्वाहारी हैं, ये न केवल मछली और छोटे उभयचरों का शिकार करते हैं बल्कि ये नरगट और छोटे अनदलदली पौधे पर भी अपनी दावत देते हैं। ये वॉक एंड पैक तकनीक का इस्तेमाल कर गहरे पानी में भी बेहतर शिकार कर लेते हैं। ये अक्सर ठंडे मौसम वाले मौसम से जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अक्सर पूर्वी एशिया और रूस के बीच के वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। वे दक्षिण पूर्व एशिया के अधिक गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में रहते हैं। इन पंछियों को एकांगी यानी मोनोगैमस होने के लिए जाना जाता है। ये अक्सर एक साथी पाते हैं और जीवन के लिए साथी होते हैं। यही कारण है कि ये एशियाई संस्कृतियों में वफादारी का प्रतीक है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पक्षी हैं जो उड़ान भरते हैं करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। जब कोई युगल साथ होता है तो वे अपने विंड पाइप का इस्तेमाल एक सामंजस्यपूर्ण कॉल के साथ मुखर करने के लिए करते हैं, जो उनके बंधन को मजबूत करता है। वे गाते हैं, शानदार ब्रीडिंग डांस करते हैं, हवा में सुंदर छलांग भी लगाते हैं। इनके कारण वे काफी फेमस हैं। इसके दौरान वे मैटिंग भी करते हैं। इनके डांस का उद्देश्य खुद को प्रजनन के लिए तैयार करना ही होता है। ये हर साल 1 से 2 अंडे देते हैं।
पर ज्यादातर एक चूजा ही बचता है। लगभग 70 दिनों के भीतर अंडे फूट जाते हैं और 2 साल तक होने तक ये वयस्क बनकर अपना युगल बनाने योग्य हो जाते हैं। इनका जीवन चक्र ऐसे ही चलते रहता है। ये काफी सक्रिय और सामाजिक भी होते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं और झुंड में ही जीवन जीने से वंश बढ़ाने तक के कई कायदे सीखते हैं। जापानीज क्रेन वजन में 18 से 21 पाउंड और साइज में 5 फीट तक के होते हैं। इनका जीवन काल औसतन 30 वर्ष तक का होता है, पर बेहतर देखभाल और सुरक्षा देने पर ये 65 साल तक जी सकते हैं या इससे भी थोड़ा अधिक। रेड क्राउन क्रेन कानूनी रूप से भी हर देश में शिकार से सुरक्षित है जहां वे पाए जाते हैं। इनमें कुछ प्रवासी हैं और कुछ अप्रवासी यानी गैर प्रवासी। गैर प्रवासी वाले जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो में हैं। जापान में इन क्रेन्स की सुरक्षा के लिए शीतकालीन फील्डिंग स्टेशन, क्रेन पूर्ण पुनर्प्राप्ति योजना से जुड़कर यहाँ की निवासी आबादी क्रेन को स्थिर कर रही है। ये सौभाग्य और प्रेम का मॉडल होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सबसे इंटरेस्टिंग तथ्य क्या लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसे भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।